Hello everyone, good morning and welcome back to the channel. My name is Kirti and thank you so much for tuning in. So, आज का वीडियो होने वाला है एक वीकेंड व्लॉग as usual on Monday. तो मैं आज शेयर करने वाली हूँ अपना वीकेंड रूटीन आप लोगों के साथ. So, if you are interested, please keep on watching. But before that, if you are new to the channel, please consider subscribing and let's go. सुबह के बजे थे 7 और पानी पीने के बाद मैंने सोचा कि जो बाकी के काम है रूटीन के वो भी मैं शुरू कर दूं ताकि मेरा जो पूरा दिन है काफ़ी इजी हो जाए. सो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक लॉन्ड्री का लॉट लगा दिया था जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था बिकॉज़ इसमें मैंने बच्चों की जो यूनिफॉर्म्स वगैरह थी वो डाली थी ताकि आराम से ईजीली सारा काम हो जाए और मंडे को कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो पेंडिंग रहे. मेरे चेहरे पे ये जो स्माइल है ना ये इसलिए है क्योंकि मुझे अचानक से याद आया कि हम लोग इंडिया जा रहे हैं और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि फाइनली आफ्टर अ ईयर हम लोग अब इंडिया जा रहे हैं इन अ फ्यू डेज़. तो बस यहाँ पर मैं वही सोच रही थी और खुश हो रही थी. उसके अलावा मैं बना रही हूँ मेरे लिए एक मस्ट सी कॉफ़ी. ये जो सुबह का टाइम रहता है जिसमें सब जने सोए हुए हैं और सिर्फ मैं जागी हुई हूँ ये टाइम मेरा पूरे दिन का सबसे फेवरेट टाइम होता है. सो अभी तो फ़िलहाल सब जने सो रहे हैं और ये जो टाइम है मेरा दिन का ये फेवरेट टाइम रहता है जिसमें मैं अपने लिए कुछ टाइम निकाल कर स्पेंड करती हूँ. आई रन थ्रू वॉट एवर आई हैव टू डू इन द डे. एक मन में ही टू डू लिस्ट मैं बना लेती हूँ कि आज क्या क्या काम करने हैं, कहाँ बाहर जाना है, क्योंकि हमारा कोई वीकेंड ऐसा नहीं जाता कि हम घर में टिके रहे और बाहर ना जाएं. सो यहाँ पर आई एम एट माय फेवरेट स्पॉट ऑफ द हाउस. तो मैं बैठ गई हूँ मेरे लिविंग रूम के सोफ़ा पे और यहाँ पर बैठ के मैं मेरी कॉफ़ी इंजॉय कर रही हूँ. बाहर अच्छी खासी सुबह सुबह ही चहल पहल आजकल शुरू हो जाती है. सो बस यहाँ पर मैं वही इंजॉय कर रही हूँ और इंजॉय करते करते ही कवीश बाबू भी हमारे उठ गए थे. सुबह उठते ही मैं बच्चों को बोलती हूँ कि वो अच्छे से फ्रेशन अप हो जाएं सो दैट वी कैन स्टार्ट आर डे. और उसके बाद अगर इनका कुछ होमवर्क रहता है तो ये लोग वो कर लेते हैं. एंड उसके अलावा मैं सुबह आज इस वीकेंड पे कर रही थी अपना कुछ कंटेंट शूट. सो ये ब्रांड है द मॉम्स को और ये अभी यूएई में न्यूली लॉन्च्ड है. तो इसका मेरे पास कुछ काम आया हुआ था तो मैंने सुबह सुबह की धूप में अच्छे सी लाइटिंग में जो है इसका काम फिनिश किया. और यहाँ पर आप देखिए कि काव्या भी उठ के आ गई हैं. सो बच्चे हो गए हैं फ्रेशन अप एंड नाउ इट्स टाइम फॉर आवर ब्रेकफास्ट. सो मैं भी नहा कर आ गई थी अपने किचन में और आज ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ काव्या की फरमाइश पे आलू के पराठे. सो यूजुअली ऐसा रहता है कि वीकेंड पे हम लोग ब्रेकफास्ट भी बाहर ही करते हैं बट आज मैंने सोचा कि क्योंकि हम लोग इंडिया जा रहे हैं और काफ़ी सारी शॉपिंग होने वाली है सो अगर बाहर जाके कुछ खाया तो उसके बाद शॉपिंग करने की हिम्मत नहीं रहेगी. सो हम लोग घर से करके जाएंगे नाश्ता एंड देन वी विल डिसाइड कि हमें क्या क्या ख़रीदना है एंड देन शॉपिंग करके हम लोग वापस घर आ जाएंगे. यहाँ पर मैंने सारे मसाले आलू में मिक्स कर लिए थे और अब शुरू कर रही हूँ आलू के परांठे बनाना. तो जो हमारे माथुर साहब हैं वो कहते हैं कि तुम कितने बड़े परांठे ढाबे स्टाइल के परांठे बनाती हो. तो आज मैं कोशिश कर रही थी कि थोड़े से जो है साइज़ पराठों का मैं कंट्रोल करूँ और छोटे परांठे बनाऊँ. सो छोटे पराठे बनाने के चक्कर में ना आज मेरे साथ ये हुआ कि मेरे पराठे जो थे फट गए और जो आलू की फिलिंग थी वो पराठों से बाहर निकलने लग गई. जितनी देर मैंने यहाँ पर ब्रेकफास्ट बनाया उतने में बच्चे लोग भी नहा लिए थे और माथुर साहब भी रेडी हो गए थे यहाँ पर एंड बहुत ही अच्छा सा हमने तसल्ली से बैठ के आज ब्रेकफास्ट किया घर पे और उसके बाद हम लोग निकल गए थे मॉल की तरफ.
सो यहाँ आ गए थे हम लोग मिर्जर सिटी सेंटर, विच इज़ लाइक आर गो टू मॉल। ये हमारे घर के काफ़ी पास है और यहाँ पर मोर और लेस सारी चीज़ें जो हम लोगों को चाहिए थी वो मिल जाती, तो हम लोग यहीं पर आ गए। दिस इज़ सेंटर पॉइंट और यहाँ पे मैं इनका बैग्स का कलेक्शन चेक कर रही थी। सो यहाँ पे इनके न्यू अराइवल्स भी आए हुए थे एंड देन अगेन देयर वाज सम पीसेस दैट वर ऑन अ गुड डिस्काउंट। उसके अलावा यहाँ पे था बहुत अच्छा सा इनका होम डेकोर का सेक्शन, बट अभी फ़िलहाल हम लोगों ने कुछ लिया नहीं क्योंकि हम लोग जा रहे हैं, सो होम डेकोर लेने का कोई सेंस नहीं बनता। बट जितने भी चीज़ें मुझे गिफ्टिंग के लिए यहाँ से लेनी थी वो सारी मैंने यहाँ से ले ली एंड इट वॉज़ सच अ सक्सेसफुल ट्रिप। कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को कुछ चाहिए होता है, आप सोच के आते हो कि आज ये लेना है और वो चीज़ जो है शॉप्स में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होती, और अगर होती भी है तो कई बार ऐसा होता है कि पसंद नहीं आती। बट ये वाला जो ट्रिप था हम लोगों का शॉपिंग का, ये इतना सक्सेसफुल रहा। वॉट एवर वी वॉन्टेड, जितना हम लोगों को सामान चाहिए था वो सब मिल गया। जितने लोगों के लिए हम लोगों ने गिफ्ट्स लेने थे वो सारे हम लोगों को अच्छे से मिल गए। बट एक चीज़ जो रह गई वो थी काव्या की ड्रेसेस, वो हम लोग फिर गए मैक्स और हम लोगों ने वहाँ से ख़रीदी। सो यहाँ पर हम लोगों की शॉपिंग जो थी वो कंप्लीट हो गई थी इंडिया जाने के लिए। जितना भी सामान था हम लोगों ने सारा यहाँ से ले लिया था एंड बाय द टाइम इट वाज ऑलरेडी 4 एंड नाउ वी वांटेड टू गो होम, ताकि नेक्स्ट डे की जो वीक शुरू हो रहा है उसकी प्रिपरेशन के लिए मेरे पास अच्छा खासा टाइम रहे एंड बच्चे भी ज़्यादा ना थकें। सो मॉल्स में सुबह आने का सबसे अच्छा फ़ायदा यही होता है कि पार्किंग ईजिली मिल जाती है, स्टोर्स में ज़्यादा भीड़ नहीं होती, तो आपकी शॉपिंग जो है बहुत आसानी से और बहुत कन्वीनियंटली हो जाती है। टिल्स पे, कैश काउंटर्स पे जो है भीड़ नहीं रहती, तो दिस इज़ आवर फेवरेट टाइम टू शॉप। हम लोग हमेशा ऐसे ही शॉपिंग करते हैं एंड बाय द टाइम इट्स 4 or 5, जब आधा दुबई शॉपिंग करने के लिए मॉल्स घूमने के लिए निकलता है तब तक हम लोग वापस आ जाते हैं। यहाँ पर हो गई थी हम लोगों की शॉपिंग फिनिश एंड भूख भी काफ़ी लग रही थी, सो हम लोग निकल गए घर की तरफ। तो बस गाइस, यही तक था आज का व्लॉग। आई होप यू एंजॉयड इट एंड इफ यू डिड प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, जय राम जी की।